नगर पे बीजेपी आगे। डॉक्टर महेश शर्मा लगातार तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर से नोएडा से चुनावी मैदान में है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। उसी तरह अनुराग ठाकुर हमीरपुर से 56,000 वोटों से आगे। अशोक गहलोत के बेटे पीछे चल रहे हैं अब। ना, वो तो जालौर से। वैभव गहलोत अब पीछे हो गए। बड़ी खबर, अनिल दुबे है आरएलडी से। अनिल दुबे, उत्तर प्रदेश में उलटफेर होने वाला है क्या? देखिये मानक जी, अभी तो ये शुरुआती दौर है, अभी तो बहुत ज्यादा वोट नहीं गिने गए हैं। अभी इस पर कोई इस तरह की टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एनडीए गठबंधन बढ़ेगा, अभी शुरुआती 50,000-75,000 वोट कहीं कहीं गिने गए हैं, तो आप देखिएगा अभी एनडीए बढ़ेगा और एनडीए ही देश में सरकार बनाएगा, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी इन शुरुआती रुझानों पर कोई जो है टिप्पणी करने की कोई, सुकेश कुछ कह रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, एक सेकंड सुकेश। मैं तेलंगाना का अपडेट दे दूं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 8 सीटों पे कांग्रेस आगे है, 7 सीटों पे बीजेपी आगे है, एआईएमआईएम 1 सीट पे आगे और 1 सीट पे बीआरएस, जो टीआरएस थी जो बीआरएस हो गई। इसका मतलब बीजेपी के लिए तेलंगाना से अच्छी खबर आ रही है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 7 सीटों पर आगे है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पर रेवंत रेड्डी का जादू विधानसभा चुनाव की तरह चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर का ये आंकड़ा देखिए, जबरदस्त टक्कर फिलहाल इंडिया गठबंधन और एनडीए के गठबंधन में दिखाई दे रही है। कुल आंकड़े में 541 सीटों के रुझान आ चुके हैं, अदर्स 26 सीटों पर आगे है। अब ये अदर्स कहां जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा विनोद जी, अगर कहीं बहुमत के आसपास। एक जानकारी विनोद जी आपको रोक के दे देता हूं, लोगों को जानना जरूरी है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। एटा से कल्याण सिंह के बेटे उम्मीदवार हैं और 6 राउंड की काउंटिंग के बाद वो कुछ 100 मतों से पीछे चल रहे हैं। ओके, कल्याण सिंह के बेटे भी पीछे चल रहे हैं जी। विनोद जी, कोई 1-2-3-4 नाम याद इधर आते हैं आपके जहन में जो पासा पलट सकते हैं, पाला बदल सकते हैं? ओवैसी के साथ तो बातचीत कांग्रेस की शुरू हो ही गई थी, और ओवैसी तो जाहिर है कि ये रेवंत रेड्डी के साथ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो फ्लोटसम और जेटसम होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको, ये उसी तरफ उनका रुझान होता है, जिस तरफ बड़ी पार्टी होती है उसी तरफ जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट अ स्टेक इन पावर। तो इसलिए वो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है कि इंडिया स्पेशल है या एनडीए स्पेशल है। जिसके पास आंकड़े हैं सरकार बनाने के लिए केंद्र में, उसके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं आप, आपको तो खुश होना चाहिए, टक्कर दिखाई दे रही है। प्रेमचंद जी, मैं इलेक्शन कमीशन का एक आंकड़ा बता दूं क्या? मानक, आपकी इजाजत से इलेक्शन कमीशन के जो प्रेमचंद जी, इसके बाद आ रहा हूं प्रेमचंद जी, आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी अब से थोड़ी देर पहले 212 सीटों पर लीड कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 84 सीटों पर लीड कर रही थी, समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर लीड कर रही थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19 सीटों पे, डीएमके 18 सीटों पे, तेलुगु देशम पार्टी 15 सीटों पे, जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों पे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 9 सीट पे, ऐसे मतलब 212 सीट बीजेपी लीड कर रही है, 84 सीट कांग्रेस लीड कर रही है, तीसरे नंबर पे जो बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, जो 31 सीटों पे सिर्फ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पे लीड कर रही है। प्रेमचंद जी बोलिए, इसका मतलब प्रेमचंद जी आप बीजेपी से बहुत सारी सीटें छीन रहे हैं, अगर आप 80-84 पर हैं तो 52 के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप रुझान दिखा रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी को भारी नुकसान होने जा रहा है। जिस तरह से इनका पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन था, कहीं न कहीं लोगों की नाराजगी तो प्रकट हो ही गई है, और जो हमारा मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी, आम लोगों को वो कहीं न कहीं कैच किया है और लोगों ने उसी को मान में रखकर वोट किया है। मैं समझता हूँ और 1-2 घंटे के बाद स्थिति और सुधरेगी, और आप देखेंगे जो और परिणाम आएंगे, रुझान जो परिणाम बदलेंगे, इंडिया गठबंधन का जो हमारा लक्ष्य है 295 पहुंचने का, वो हम आसानी से पार करेंगे, सरकार भी बनाएंगे और इस देश से मोदी जी के शासन का लगता है जाने का वक्त आ गया।